dear students, I am Mudita and you are here to join Mudita IAS Warriors. So students, class 10 की mathematics worksheet 28F 13th of September के लिए और आज हमारा new chapter start हो रहा है distance formula, जो आपकी book में NCERT में chapter 7 है. यहाँ पे आपकी 7.1, 7.2 आपको करनी है, 7.3 जो है वो आपकी delete हो चुकी है. So distance formula बहुत ही simple formula है. सो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, यानी कि आपको एक्स और वाई अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट पता चल जाता है 2D स्पेस में. और अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस से पॉइंट पता चल जाता है तो आप कैसे डिस्टेंस, उसकी दूरी क्या है, हमारे कोई ओरिजिन रेफरेंस है उसकी दूरी क्या है, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो लीना बोल रही है, रिया हाउ डज गूगल मैप टेल अस एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. गूगल मैप हमें कैसे डिस्टेंस बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का दो पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है. सो ये इसका रिप्लाई कर रही हैं, गूगल मैप यूजेज GPS. आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन में भी GPS होता है गूगल मैप में, इन विच द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. अब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है, हमारा जो ग्लोब है वहाँ पे हर पॉइंट को हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में डिवाइड किया है. कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं ना इंडिया इस लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पे है, हमारी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स हैं. तो इसी तरीके से कोई भी प्लेस हो, कहीं पर भी कोई भी प्लेस हो, आपका घर, आपका स्कूल, वो एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे ही लाई करता है. सो आपको अगर लॉन्गिट्यूड पता है, लैटिट्यूड पता है, तो आप उसका डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं और उसी से फाइंड करके गूगल मैप हमें दिखाता है. यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस कैन बी फाउंड. अब आपसे बोल रहा है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. सपोज द प्लेस आर रिप्रेजेंट एज टू पॉइंट. फार्मूला यूज टू फाइंड डिस्टेंस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. अब देखिए इसके लिए आपको बोल रखा है कि जैसे आपके पास दो पॉइंट है, आपको एक बोल रखा है पी, सेकेंड वन इज क्यू. ओके, यू हैव टू पॉइंट्स, वन इज पी एंड सेकेंड इज क्यू. बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द कार्टीजन प्लेन. किसी कार्टीजन प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट है. पी को हम बोल रहे हैं कि एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं एक्स टू वाई टू. ड्रो लाइन पैरेलल टू एक्सिस थ्रू पी क्यू, मीट एट टी. ट्राइंगल ए टी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे हमें ये एक एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है, एक पी है एक क्यू है. ये पी है ये क्यू है. अब इन्होंने कहा कि एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है. इसके बाद हम इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो ड्रॉ किया है, हमने एक पॉइंट मिला दिया और इस पॉइंट को क्या बोल दिया, टी बोल दिया. तो अगर हम ये ध्यान से देखें, इसको देखें, तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती हुई नज़र आती है अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला दें. और यहाँ से अगर हम इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, ठीक है. और इसका हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, राइट एंगल्ड एट थ्री बाई पाइथागोरस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज द डिस्टेंस फार्मूला. वही तो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी इस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट. आप जो ये निकालना चाह रहे हो हाइपोटेन्यूज, यही हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं. तो यही हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले को आपको अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है, इसी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. अब आगे आपसे बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं. बहुत ही इजी ये चैप्टर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती. लीना, नाउ सपोज टू पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि अगर हमारे दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, यानी ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो क्या हम इसके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं. फॉर इंस्टेंस कंसिडर टू पॉइंट 4.0, 6.0 इन अ फिगर. ओके, तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है, 4.0, 6.0, ये दो पॉइंट है. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, यू कैन ओ ए ओ बी, ठीक है. देयरफॉर डिस्टेंस बी इज
ओ बी माइनस ओ ए फोर माइनस टू यानी टू यूनिट। यही अगर आपके दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। आपके दोनों पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपके दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट यू फाइंड डिस्टेंस ए फ्रॉम सी। इसके अलावा आप ए फ्रॉम सी, ए का डिस्टेंस आप सी से भी निकाल सकते हो, ए एंड सी। ओके, ए का सी से निकाल सकते हो तो ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ पे पॉइंट ऊपर देखोगे तो आपका एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। यानी डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने आसान बता सकते हैं, सॉरी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन डिस्टेंस बिटवीन माइनस 3.2 एंड 3.5। बहुत ज़्यादा रेड कर दिया है, माइनस 3.2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 3.5। तो देखिए, जो आपको पॉइंट दिया है ना पहला, इसको आप x1 और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 एंड y2 मान लीजिए, एंड जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। सो 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 3 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 जा 36 और 3 जा 9 45। सो रूट 45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, 3√5, तो यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। दो पॉइंट कोई भी कार्टेशियन प्लेन में आपको दो पॉइंट देता है तो उसका जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वही उसका डिस्टेंस होता है। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ट्राई इट योर सेल्फ में बोल रखा है, पहले तो ट्रू फॉल्स दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन एज एब्सिसा। यहाँ रिवर्स दे दिया है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉन एज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट नॉन एज आपका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल रखा है तो एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, रिवर्स दे रखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद सेकंड में बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। अगर आप कोई भी ग्राफ लेते हो कार्टेशियन प्लेन, तो ये आपका क्या है, 0, यहाँ पे आपके पॉजिटिव, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो बोल रहा है कि अगर आप ओरिजिन से 4 यूनिट लेफ्ट में जाते हो, ठीक है, ये आपका सेंटर है, सेंटर से अगर आप लेफ्ट में जाओगे यानी इधर -4 पे पहुंच जाओगे, ओरिजिन आर 4.0, तो आपका पॉइंट बोल रहा है 4.0 होगा, तो ये गलत है। क्यों, अगर आप राइट में जाते, बोलता राइट में 4, तो यहाँ पे आता ना 4.0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता ना 4.0, ये बोल रहा है कि लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट में आपका -4.0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4.0 होना चाहिए, तो इसने 4.0 बोला है, दैट मीन ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पॉइंट दे रखा है, देखो आपको एक पॉइंट दे रखा है पी, एक दे रखा है क्यू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी आपको दे रखा है, पर यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, यहाँ पे होगा x2 y2, तो यहाँ से इसने y को मिस कर दिया है। अब y आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का हमारा ए पार्ट है, आपको एक पॉइंट दे रखा है 3.2, ठीक है, मैं साथ साथ में सॉल्व भी करती जाऊँगी, 3.2, और सेकेंड पॉइंट दे रखा है आपको 6.6। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 एंड दिस इज योर y2। फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे तो हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो x2 आपका क्या है, x2 क्या है 6, तो 6 माइनस, और x1 क्या है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 और y1 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको सही से देखें तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका भी हमारा क्या है अंडर रूट, 6 में से 3 गया कितना बचा, 3 बचा,
तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका भी है अंडर रूट 9 प्लस 16 आपका पास कितना जाता है रूट 25 और रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आप लिखोगे 5 यूनिट। आपको अगर सेंटीमीटर मीटर में डिस्टेंस दिया है तो वो लिखोगे, कुछ यूनिट नहीं दिया तो लिखोगे 5 यूनिट्स। सो 5 यूनिट्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा ए पार्ट के लिए। आई होप आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रखा है 0.0 एंड 6.1, एक है 0.0 और दूसरा है 6.1। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। देखिए जब आप x2 - x1 का स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे, 6 - 0 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो गया और 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 प्लस 1 37 और 37 जी परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो 37 यूनिट्स ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में बोला है -6.0 और 4.0, 4.0 एंड -6.0। सो ये आपका x1, ये आपका x2, ये y1, ये y2। सो देखेंगे हमारा y1 y2 दोनों ही क्या है, 0 है। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 4 माइनस माइनस का 6, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक वैल्यू के साथ माइनस है, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया और 4 माइनस, तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 6 10 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 10 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो चाहो तो यहीं से आपका स्क्वायर रूट और ये कैंसिल कर देगा, चाहो तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है, तो 10 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या बोल रखा है। आपको पॉइंट पी दे रखा है 2.-3, क्यू दे रखा है 10.y, डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 यूनिट्स और y आपसे निकालने को बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आपको p दे रखा है, q दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे y मिसिंग है वही आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब d की जगह पे अगर आप 10 रख दीजिए और बाकी वैल्यूज एज इट इज पुट करोगे तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म होके मिल जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - -3 का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट, और लेफ्ट हैंड साइड में डी के बदले हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है। 10 - 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारे पास 10 है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, अगर आपके पास इस साइड में ए स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है तो हम क्या बोलते हैं ए इक्वल टू अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर इधर रूट बन जाता है या फिर इधर रूट है तो इसे इलाके हम इधर स्क्वायर कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास रूट है तो हम इसे रूट को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा 10 का हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ से हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से रूट हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया जी, यहाँ पे तो हो गया 10 का स्क्वायर और इधर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, 10 - 10 = 100, 8 + 8 = 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो वाई स्क्वायर प्लस 2 + 3 = 6y प्लस 9। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम ऐड अप कर लेंगे 64 प्लस 9, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे 64 प्लस 9 ऐड हो जाएगा कितना बनेगा 73 बनेगा, ठीक है, 73 y² + 6y, 73 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके माइनस कर देंगे, 100 - 73 = 27, यहाँ पे y² + 6y यहीं पे हमने सेव कर रखा है। अब y² + 6y इधर ले आओ 27 माइनस का, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² + 6y - 27 = 0। अब यहाँ पे आप इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लोगे y की वैल्यू। सो हमारे पास जब इक्वेशन है तो देखिए हमने यहाँ पे 9y - 3y इस तरीके से स्प्लिट किया, इन दोनों में कॉमन लिया तो y आ गया y + 9, इन दोनों में कॉमन लिया -3 तो y + 9, तो हमारे पास एक हो गया y - 3 एक y + 9, y - 3 = 0 दैट मीन y = 1 तो 3 हो गया,
दूसरा हो गया हमारा वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, यानी वाई इक्वल टू माइनस नाइन। तो अब कौन सा जी आंसर होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे वाई इक्वल टू थ्री आंसर होगा। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है 10, तो आपकी y की वैल्यू चेक कर लो पुट करके कि किस वैल्यू पे 10 आ रहा है, वही आपका सही होगा। तो जब हम y को 3 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 प्लस 3 6, 6 6 का 36, तो 36 प्लस 64 कितना हो गया, 100 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड आपका 100 है, यानी कि y की वैल्यू y बराबर 3 पे ही हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा। तो y की आपके पास दो वैल्यू हैं, एक है 3, एक है सॉरी एक आई है 3, एक आई है माइनस 9। तो हमारे पास y इक्वल टू जो 3 है वही करेक्ट वैल्यू है। तो आप लिखोगे y इक्वल टू 3 इज द आंसर, तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। क्यों करेक्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आ गई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।